एक चीज जानना चाहूंगा, चूंकि हम कैंपेन पे बात कर रहे हैं, राहुल गांधी ने कैंपेन के अंदर कहा कि मुझे 15 मिनट बोलने दें, और ये बात उन्होंने जनाक्रोश रैली में भी कही। 15 मिनट बोलना चाहते हैं अगर वो संसद के अंदर तो खड़े होते, वो तो एक बार खड़े भी नहीं हुए 4 साल के अंदर कि संसद में एक बार खड़े हो जाएं, और एक आध बार जब हुए वो रस्मी भाषण के लिए हुए। अगर वो खड़े हो जाएं तो कम से कम ये तो लगे कि हाँ राहुल गांधी बोलना चाहते हैं। देखिए, उन्होंने कहा कि प्रधानमंत्री जी आप संसद में आइए, 15 मिनट सुनिए मुझको, जितने इन ये स्कैम्स हैं इनके बारे में, वो उस स्पेसिफिक इशू पर कहा कि मैं इन पर बोलना चाहता हूँ, 15 मिनट आकर कम से कम खड़े तो होइए, 15 मिनट मेरे सामने सुनिए तो सही। वो नहीं तो उन्होंने पहले ही फ्रेज जोड़ दिया, वो तो खड़े ही नहीं हो पाएंगे। हाँ, वो इज इट पॉलिटिकल, वो है इस जो सर, क्योंकि आपके ऊपर मतलब कि कोई आपको सू नहीं कर सकता, आप नहीं एक्चुअली क्या इम्यूनिटी है, देखो इम्यूनिटी है, इम्यूनिटी के अलावा रिकॉर्ड पर होता है। कोई भी राजनीतिक दल क्यों अवॉइड करता है, अविश्वास प्रस्ताव क्यों बीजेपी ने अवॉइड किया, वो बात उसका कारण ये था कि आपके सारे आर्ग्यूमेंट के बाद उसमें 198 रूल में ये प्रोविजन है कि प्राइम मिनिस्टर सबका जवाब। अच्छा चलिए, मैं बोलता हूँ कि आप 15 मिनट का टाइम लेते हैं, आप लेते हैं, बोलते कि प्रधानमंत्री जी आप यहाँ पर आइए, मंच खुला रखते, राहुल गांधी बैठते, प्रधानमंत्री या जो भी आता वो बैठता, और 15 मिनट का बहस हो जाता है, 15 मिनट वो राहुल गांधी को सुन लेते हैं, तो वही तो क्या दिक्कत, वो तो कहाँ सुन रहे हैं, तो आप प्रस्ताव करिए ना, हम तो प्रस्ताव करिए आप, ये प्रस्ताव यहाँ हमने अविश्वास के प्रस्ताव में होते ही है, प्राइम मिनिस्टर को चूंकि जवाब के प्रस्ताव की नहीं, मैं 15 मिनट के तो ये वो एक्सेप्ट कर लेते हैं प्राइम मिनिस्टर की, आ जाओ हाउस में, मैं उन्होंने तो हाउस का ही कहा, बाहर नहीं कहा। वो आपकी बात सही है, नो कॉन्फिडेंस मोशन एक्सेप्ट होनी चाहिए थी, जो सुमित्रा महाजन ने बहुत गलत काम किया, वो जो है नहीं, वो हर पार्लियामेंट्री परंपरा में इट सुपर सीट्स एवरी अदर, नहीं नहीं वो तो होता है, लेकिन संसद जब ऑर्डर में ही नहीं होता, ऑर्डर तो ऑर्डर ये नहीं है, बट स्पीकर ने अब क्या दिवक जी, एक मिनट स्पीकर अगर बाहर भेज सकता है, इसको वन साइडेड मत कीजिए, पहले वो वन साइडेड ही थ्योरी यूज कर रहे हैं कि आप 15 मिनट बोलने करेंगे, नहीं नहीं, इसलिए मैं आपको आर्ग्यूमेंट बता देता हूँ। आपने संसद के शुरुआत होते ही 193 के तहत बहस का नोटिस दिया, आपके खड़गे साहब ने दिया, ज्योतिरादित्य सिंधिया ने दिया, और एक नेता इनके केरल के और दिए, उन्होंने दिया, उसको सुमित्रा जी ने एक्सेप्ट किया, जो स्पीकर महोदय ने एक्सेप्ट करने के 2 दिन बाद महज वहां पर कौन आते हैं, राहुल गांधी विदेश से आते हैं, आने के बाद वो कहते हैं कि नहीं नहीं 193 पे बहस नहीं होगा, ये जो है वोटिंग पैटर्न पे हो, उस दिन से संसद में हंगामा चालू होता है और निरंतर, एक मिनट सुन अभय जी, आप अविश्वास का प्रस्ताव 193 में क्या, ये तो आप थोड़ी हिस्ट्री भी समझिए क्या है, ऐसे थोड़ी ना होता है, अरे भाई मेरे होता है, सुनिए शांति रखिए, तो वहां से ये सारी हिस्ट्री चालू होती है, और इसके बाद आप संसद में बेल में हंगामा करते हैं और निरंतर हंगामे में बहाते जाते हैं, इसके बाद आप 27 तारीख के आसपास आकर अपना जो है अविश्वास प्रस्ताव प्रस्तुत करते हैं। मैं कहता हूं बिल्कुल, आप यदि वहां पर बार बार कोशिश हुआ, और राजनाथ सिंह जी ने सदन के अंदर क्या बात कहा कि हमें आपका विश्वास मंजूर है, आप जो है व्यवस्था के साथ हमारा सहयोग कीजिए और आप आइए हमारे साथ बहस कीजिए, और हम बहस में भाग लेंगे, हम आपको जवाब देंगे, हमारे पास आंकड़े, कांग्रेस के पास आंकड़े नहीं है तो सर्वविदित है, इसमें कोई दो मत नहीं है, इसमें तो कोई आपत्ति नहीं, ये तो केवल एक आप लोगों को फंसाते थे, आपके यहां से भी वो होगा, ये आकलन इनका होता था, और ये इसी का मुंह देखते रहे। लेकिन मैं आप अंतिम बात एक और कहता हूं, जो 15 मिनट की आपने बात उठाई, मैं कहता हूं दीपक जी, आप 15 मिनट सदन के अंदर भ्रष्टाचार पर बोल सकते हैं या जिस भी विषय पर आप बोल सकते हैं, बोलिए, आपको सदन में बोला हुआ हर बात रिकॉर्ड पर होता है और उसके लिए आपको जिम्मेदारी भी लेनी पड़ती है। मैं कहता हूं, यदि आपके पास दम है, आप जाइए कोर्ट के अंदर, आपके पास प्रूफ है, एक को उसको लेकर आप कोर्ट में आइए और कोर्ट के अंदर कोर्ट 2G का मसला, कोयला का मसला, जितने भ्रष्टाचार के मसले हुए सारे कोर्ट के अंदर थे, और कोर्ट के अंदर से आपको क्या फैसला हुआ कोर्ट के अंदर बताइए, और वो चल रहे हैं, क्या हुआ कोर्ट सजा हो रही है, कोयले में सजा हो रही है, क्या बात कर रहे हैं आप, अभी आज की अगर जांच कराई जाए आपको बता दूं, रमन सिंह और वसुंधरा ने ऑब्जेक्शन फाइल किए, माइंस एंड मिनरल्स रेगुलेशन 1957 सेक्शन 5A में उन्होंने कहा राहुल गांधी है।
ऑप्शन नहीं कर सकते। पांच मिनट आप अरे साथ मोबाइल में साथ झूठ बोलने वाले सच्चाई का सामना नहीं कर सकते। विश्वास रखिए, हल्ला मत करिए, हल्ला मत करिए, एक अच्छी काम हो रही है। देखिए भाई मोबाइल अरे क्या बात है, अरे देखिए भाई अभय 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 दोनों को शांत, अरे भाई शुभ काम हो रहा है, तेज प्रताप की शादी हो रही है और उसके लाइव विजुअल आ रहे हैं, तो हमको कम से कम उसको बधाई तो देनी चाहिए यार। इतना फर्क तो बनता है, भले से पॉलिटिकल जो है अपोनेंट हो एक दूसरे के। आइए बहस का सिलसिला यहाँ पे शुरू करते हैं। अब है कुछ आरोप लगा के गए वो नहीं। देखिए हमने तो स्पष्ट रूप से भारतीय जनता पार्टी के सम्मुख कहा कि सड़क से संसद तक समूचे देश को अविश्वास प्रधानमंत्री जी है, और जो संवैधानिक प्रावधान है हमने उसके तहत अपना आवेदन दिया। मगर दुर्भाग्यपूर्ण बात है कि ना सड़क पर प्रधानमंत्री सुनना चाहते हैं, ना सदन में सुनना चाहते हैं, कभी वो सुनना नहीं चाहते, मोनोलॉग करते हैं मनमानी बात के आधार पर। इसलिए हमने ये कहा था, हमने मुझे आश्चर्य हुआ दीपक जी, मैं अपेक्षा कर रहा था कि देश के प्रधानमंत्री जब कर्नाटका में आएंगे 21-21 सभाओं को संबोधित करेंगे तो हो सकता है कि बसावन्ना भगवान की वो भूमि इस प्रकार की है कि कुछ ऐसा प्रचोदन प्रधानमंत्री का मिले। कर्नाटक का इलेक्शन हो गया है, लेकिन मैं एक लार्जर मुद्दे की बात करता हूँ, लार्जर मुद्दे की बात करता हूँ। पूरा सत्र आया, राहुल गांधी भी सत्र के दौरान थे या थोड़े दिन के लिए बाहर गए थे? नहीं, सत्र में थे राहुल गांधी, थोड़े दिन के लिए बाहर गए थे। नहीं नहीं, सत्र में थे और फिर वापस आए थे, और उसके बाद यूपी पे जो डिसीजन हो गया शायद उसको चेंज करना चाहते थे। वैसे हम इस पे नहीं जाएंगे। पूरे सेशन के दौरान क्या किसी ने भी ये नोटिस दिया, खासकर राहुल गांधी ने, कि मैं प्रधानमंत्री के खिलाफ 15 मिनट बोलना चाहता हूं, मैं इस नेशनल पार्टी का प्रेसिडेंट हूं, मैं इस पे बोलना चाहता हूं? क्योंकि संसदीय परंपरा और संसदीय मर्यादा के अनुसार जब तक आप नोटिस न दें, जब तक आप स्पीकर से समय न लें, आप बोल नहीं सकते, चाहे वो मेंबर ऑफ पार्लियामेंट हो चाहे वो प्रधानमंत्री हो। देखिए दीपक जी, जब अविश्वास का अविश्वास में आई मैं 4 साल से बोल रहा हूं, मेरा 4 साल से मेरी बात तो सुनिए, 4 साल से राहुल गांधी ने कितनी बार नोटिस दिया पार्लियामेंट में। बिल्कुल मेरी बात सुनिए, अविश्वास का जब प्रस्ताव दिया जाता है उसमें प्रोविजन है कि आप सब्जेक्ट मेंशन नहीं कर सकते, आपको सिर्फ अविश्वास मंत्रिमंडल पर है ये लिख कर देना होता है। अगर नहीं, देखिए अविश्वास पर लाएंगे, सुन तो लीजिए, तो हमने यही तय किया था कि प्रधानमंत्री जी को सिलसिलेवार जो 4 वर्ष से हुआ है। अनुज जी हैं, अनुज जी 30 साल से पार्लियामेंट कवर कर रहे हैं। अनुज जी ये बताइए, राहुल गांधी अगर 15 मिनट बोलना चाहते हैं तो चेयर की परमिशन लेते तो चेयर इजाजत दे सकती थी? हाँ, यदि सदन चल रहा होता तो जरूर उनको इजाजत मिल जाती है, इजाजत मिलती। जैसा कि प्रधानमंत्री ने एक भाषण पूरा कांग्रेस के हंगामे नारेबाजी के बीच दिया था 1.25 घंटे का, वैसा भी चाहते तो राहुल गांधी बोल पाते। मगर प्रधानमंत्री के सम्मुख की बात थी ना, उन्होंने कहा प्रधानमंत्री जी सुनिए, आप सुनना नहीं चाहते, वो चले जाते हैं प्रधानमंत्री जी या अटेंड नहीं करते, इसलिए यही अपेक्षा कर रहे थे। मेरा सिर्फ सीधा सवाल है, एक पिछले 4 साल में क्या उन्होंने संसद के अंदर एक भी नोटिस डिस्कशन में भाग लेने का या डिस्कशन करने का या अपनी तरफ से मोशन मूव करने का दिया है या नहीं? वो लीडर ऑफ अपोजिशन देता है पार्टी की तरफ से कलेक्टिव लीडरशिप में। मुझे एक अवसर बताइए जब राहुल गांधी जी ने खड़े होकर वक्तव्य दिया और प्रधानमंत्री जी मौजूद हो, वो यही तो कह रहे थे कि प्रधानमंत्री जी सुनिए आप, मैं पूरे देश की पीड़ा आपके सम्मुख व्यक्त करना चाहता हूं, आप जवाब दीजिए, ये मोनो लाख आखिर कब टूटेगा ये जानना चाहते थे राहुल गांधी जी। क्योंकि इतनी सारी, जैसे हम राफेल पर बात करना चाहते थे, हम नीरव मेहुल पर बात करना चाहते थे, हम प्रधानमंत्री जी आरोप लगाकर चले जाते हैं कि नॉन परफॉर्मिंग असेट कांग्रेस पार्टी। अबे अबे मैं एक मिनट आपको रुकूंगा, टुडे चाणक्य का डाटा हमारे पास आ गया, सीधे चलते हैं बिना एक सेकंड देर के आंचल के पास। बिल्कुल दीपक, टुडे चाणक्य का हमारे पास डाटा आ गया है और सबसे बड़ी खुशखबरी इस डेटा के हिसाब से अगर देखी जाए तो वो सीधे तौर पर बीजेपी को जाती है, क्योंकि बीजेपी इस डेटा के मुताबिक सरकार बनाती हुई नजर आ रही है। 222 सीटें में से 120 सीटें बीजेपी को मिल रही है, यानी कि क्लियर मेजोरिटी बीजेपी को यहां पर हमारा सर्वे कह रहा है कि एग्जिट पोल कह रहा है कि मिल रही है, जबकि कांग्रेस को 73 सीटें मिल रही है जो कि करीब 11 सीटों का नुकसान है। 122 सीटें उसे 2013 में मिली थी, वहीं जेडीएस को 26 सीटें मिल रही है, ये भी काफी डेसिमेटेड नजर आ रही है, 39 और 40 सीटें के करीब मिली थी इसको 2013 में, और अदर्स को 3 सीटें मिल रही हैं। यानी कि बीजेपी के लिए कम से कम इस एग्जिट पोल के मुताबिक खुशखबरी है, क्योंकि क्लियर मेजोरिटी, हंग असेंबली नहीं है दीपक, ये क्लियर मेजोरिटी है। और सबसे सटीक एग्जिट पोल अभी तक
होता रहा है और इंडिया न्यूज और चाणक्य का ये जो एग्जिट पोल है वो क्लियर मेजोरिटी दे रहा है बीजेपी को। बीजेपी यहां पर सरकार बनाती हुई नजर आ रही है दीपक। ये सीटों का आंकड़ा है जो आपकी टेलीविजन स्क्रीन पर है, यानी कि कर्नाटक का किंग कौन, आखिरकार बीजेपी ही यहां पर सरकार बना रही है। और सबसे इंटरेस्टिंग बात यह है, ये एग्जिट पोल के नतीजे यही दर्शाते हैं कि जो अभी तक पिछले 35 से 40 साल का इतिहास रहा है कि कोई भी इनकम्बेंट सीएम दोबारा नहीं आता है, वो सरकार रिपीट नहीं आती है, कर्नाटका में यही ट्रेंड बरकरार रहेगा और बीजेपी इस बार सरकार बनाती हुई नजर आ रही है, क्लियर मेजोरिटी है और उसको जेडीएस के या कोई और सहारे की जरूरत भी नहीं है। दीपक, कर्नाटक को लेकर अब आपका जो कंफ्यूजन था दूर हुआ या नहीं? बिल्कुल दीपक, कम से कम हमारा सर्वे मैं इसी पर रिलाय करूंगी। ये एग्जिट पोल आज ही नहीं, बहुत साल से जब भी चाणक्य एग्जिट पोल करता रहा है और इंडिया न्यूज के साथ उसने टाई अप किया है, हमेशा ये सबसे सटीक एग्जिट पोल होता है। इसकी खास बात ये है दीपक कि सबसे ये लास्ट में आंकड़े हमारे जरूर पहुंच रहे हैं, लेकिन लास्ट मिनट तक 70 से 71% वोटिंग जब तक 6:30 तक हुई है, इंतजार किया गया है, एक वाइड क्रॉस सेक्शन को लिया गया है और उसके बाद ये आंकड़े उभर कर आ रहे हैं जिसमें पूर्ण बहुमत, क्लियर मेजोरिटी बीजेपी को मिलती हुई नजर आ रही है। 122 सीटें जो मैजिक फिगर है दीपक वो 113 सीटों की है, तो 120 सीटें जो है वो बीजेपी को मिलती हुई नजर आ रही हैं। 222 सीटों पर मतदान हुआ था, अभी जयनगर में बाद में मतदान होगा और साथ ही साथ आरआर नगर में डेफर हो गया पोल, तो 222 में से 120 सीटें यहां पर क्लियरली बीजेपी को मिलती हुई नजर आ रही हैं। दीपक, 120 सीटें, तो यहां पर बीजेपी की सरकार साफ साफ बन रही है, तो मतलब प्रधानमंत्री ने जो भविष्यवाणी की थी, मैं सिर्फ ये कह रहा हूं एग्जिट पोल की अगर माने, और टुडे चाणक्य हमेशा सही होता है, उस आधार पे पूछ रहा हूं, कांग्रेस पार्टी अब पीपीपी रह गई है, पांडिचेरी पंजाब परिवार। नहीं देखिए, आपको आपके सर्वे पर विश्वास रखना चाहिए और हमको अपने काम पर विश्वास है जो वास्तविकता के धरातल पर है। विश्वास मानिए कांग्रेस पार्टी से ज्यादा वहां हमारे किए हुए काम ने प्रचार किया और उसका प्रतिसाद मिलेगा। और अब पराभव प्रारंभ होगा कर्नाटका से भारतीय जनता पार्टी का। मुझे ये बताइए, कर्नाटका ने जीतेंगे तो पराभव होगा या आगे हारेंगे? भारतीय जनता पार्टी का पराभव प्रारंभ होगा कर्नाटका की हार से। पराभव कब होता है? हार ही पर तो पराभव होगा दीपक जी, मतलब अभी भी बीजेपी हार रही है। भारतीय, बिल्कुल, मैं पूरे आत्मविश्वास से कहता हूं, मैंने तो 6 रीजन का एनालिसिस किया और मैंने बता दिया कि 2 से अधिक क्षेत्रों में थोड़ा सा इंक्लिनेशन भारतीय जनता पार्टी को है, मुंबई कर्नाटका और कोस्टल एरिया, जहां पर उन्होंने पोलराइजेशन की कोशिश की अप टू सम एक्सटेंट। उसके अलावा, और मैं फिर कहता हूं कि जेडीएस को जो आंकड़ा बताया जा रहा है, विश्वास रखिए 15 से 16 सीटों से ज्यादा नहीं है और कांग्रेस पार्टी पूर्ण बहुमत के साथ वहां सरकार बनाने वाली, पूर्ण बहुमत के साथ सरकार बनाने वाली है। वो तो और 2 दिन में पता चलेगा सर जी। सैयद शाही साहब, आप जुड़े हुए हैं मुझसे, आपको आवाज आ रही है? सर बोलिए सर। अब आप बताइए, टुडे चाणक्य पर आपका रिएक्शन क्या है? आपकी सीटें मात्र, हाँ सर आ रही है सर, मात्र 26। देखिए सर, देखिए सर, मैं ये 26 कोई बोल कह रहा है, 16 हम इस पे बिल्कुल यकीन नहीं करते। हमने ग्राउंड लेवल से काम किया है, मैंने खुद ग्राउंड लेवल से काम किया है, मुझे पता है हमारी कितने सीटें आएंगी। अरे पॉलिटिकल पार्टी के वर्कर को ग्राउंड लेवल से काम करना पड़ता है, ऊपर के लेवल से नहीं। नहीं 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 नहीं, वो सही, आप सही कह रहे हैं, लेकिन मैं जो बोल रहा हूं, देखिए हमारे दोस्त कोई कह रहे हैं कि वहां पे 16 सीटें हम लेंगे और आपका जो रिपोर्ट है उसमें है कि 26। हम देखिए सर, मैं आपको बस वही कहना चाहूंगा, बार बार मैं वही कह रहा हूं आपको, 2 दिन और इंतजार कीजिए सर, पता चलेगा सर आपका रिपोर्ट क्या है, जनता का, कर्नाटक की जनता का क्या रिपोर्ट है, आप वो देखिए, 2 दिन बाद आपको पता चलिए। कभी जो एग्जिट पोल कभी सही नहीं हुए, जहां तक मैं समझता हूं, 2 दिन और इंतजार कीजिए, आपको पता चलेगा कर्नाटक की जनता का क्या निर्णय है। कर्नाटक की जनता का निर्णय पता लग जाएगा। श्रीनिवासन जी जुड़े हुए हैं हमारे साथ, वरिष्ठ पत्रकार हैं। श्रीनिवासन, मैं आपसे ये जानना चाहता हूं कि इस एग्जिट पोल को देखने के बाद आपको लगता है कि ये वहां के सेंटिमेंट को सटीक ढंग से पढ़ा गया? देखिए, एग्जिट पोल
एग्जिट पोल ही होता है। बिल्कुल बिल्कुल, और मैं ये कहता हूँ कि ये फाइनल आंकड़ा नहीं है, ये एग्जिट पोल है। मैं फिर से दोहरा देता हूँ, ये फाइनल आंकड़ा नहीं है, फाइनल आंकड़ा 15 तारीख को आएगा, उसके भी सबसे तेज नतीजे आपको इंडिया न्यूज पर देखने को मिलेंगे, लेकिन ये एग्जिट पोल है, फाइनल पोल नहीं। मगर एग्जिट पोल को आप सब, एग्जिट पोल 5-6 महीने देखा, बाकी चैनल्स के भी देखें तो ज्यादातर बता रहे हैं कि बीजेपी आगे है। आपने कहा क्या ये ट्रू रिफ्लेक्शन है? देखिए मुझे यहां से जो स्थिति मैंने देखी कर्नाटका की, सिद्धरमैया हर चीज पे, हर वो क्रिकेट के टर्मिनोलॉजी यूज करें तो फ्रंट फुट पे खेलते दिखाई दिए। उन्होंने एक्चुअली एजेंडा पहले सेट कर रहे थे, जबकि बाकी सब जगह यदि आप देखें चुनाव में बीजेपी एजेंडा सेट कर रही थी, यहां पर कुछ और सिनेरियो था। मगर मुझे ये लग रहा है कि ये जो मोदी जी बाद में गए हैं, यदि एग्जिट पोल सही है तो यदि मोदी जी बाद में गए हैं और उन्होंने जो कैंपेन किया है शायद उसका असर हो सकता है, यदि यही एक चीज मुझे दिखाई देती है। वरना जो कैंपेन सिद्धरमैया ने वहां पर चलाया वो काफी पावरफुल कैंपेन चलाया। मोदी जी ऑब्वियसली इज अ बेटर कम्युनिकेटर, वेरी सुपीरियर कम्युनिकेटर। और दूसरा मुझे लगता है कि ये एक्चुअली ये चुनाव सिद्धरमैया और मोदी के बीच ही रहा, राहुल गांधी आए जरूर, और उनका मुझे लगता है कि एक छोटा सा सेल्फ गोल हो सकता है जहां पर उन्होंने अपना प्राइम मिनिस्टरशिप का भी जो एक सवाल के जवाब में उन्होंने कहा कि क्या आप कैंडिडेट बनेंगे, उन्होंने कहा कि हां बन सकते हैं, तो उन्होंने शायद यह कह के उसको फिर दोबारा नेशनल पॉलिटिक्स पर ले आए। मुझे लगता है लेकिन राहुल गांधी पर जिस तरह का हमला किया 15 मिनट के भाषण को लेकर प्रधानमंत्री जी ने, कि जहां बोलना चाहें, जैसे बोलना चाहें, जिस लैंग्वेज में बोलना चाहें, और धीरे से उन्होंने इटालवी की बात भी कर दी कि इस लैंग्वेज में भी वो बोल सकते हैं, तो आपको नहीं लगता कि पहले ये चुनाव सिद्धरमैया वर्सेस येदियुरप्पा था और बाद में ये चुनाव राहुल वर्सेस मोदी हो गया, जो बीजेपी चाहती थी और उनके लिए बहुत तो वो आसान हो गया? क्योंकि यदि आप मोदी जी के स्पीच बहुत ध्यान से यदि आपने सुना हो, ज्यादातर उसमें नेगेटिव काफी उसमें थे। इनफैक्ट मोदी जी ने अपने अचीवमेंट के बारे में बताया, क्योंकि उनके 4 साल पूरे हो गए हैं और ये पेनल्टीमेट ईयर है बिफोर गोइंग टू इलेक्शन 2019, तो इन अ वे उनको ये भी बताना था कि इन 4 साल में क्या किया है उन्होंने, तो वो भी उन्होंने बताया, गैस कनेक्शन के बारे में बताया, स्वच्छ भारत के बारे में बताया, जॉब क्रिएशन के बारे में कुछ बोला उन्होंने, डिजिटल इंडिया, ये सब बातें बताई। मगर ज्यादा समय उन्होंने एक जो परिवार है उसको अटैक करने में, काफी समय गांधी परिवार है उसको उन्होंने काफी हद तक अटैक, काफी हद तक उनका कैंपेन स्पीचेस नेगेटिव था, इन द सेंस कि उन्होंने ये भी कह डाला कि जो इटालियन माँ है, ये सब भी उन्होंने कहा, तो काफी उन्होंने उसका फायदा लिया। मुझे लगता है कि उसका काफी असर हुआ होगा। अब भाई, ये आपकी रणनीतिक चूक थी कि आप इसका सामना नहीं कर पाए या आप इसको सॉर्ट आउट नहीं कर पाए, ये जो मेस खड़ी हो गई थी उसको, क्योंकि राहुल गांधी सेल्फ गोल करने में माहिर है और यहां भी उन्होंने कई सेल्फ गोल किए थे। देखिए दीपक जी, एक बहुत रोचक बात मैं आपको बताता हूं। मैं एक महीना तक बेंगलोर था पूरी टीम के साथ, हमारे रणदीप सुरजेवाला जी के साथ था। एक बड़ा बुनियादी अंतर मुझे दिखाई दिया, जितना हमारे यहां के चैनलों के डिबेट के टॉपिक हुआ करते थे वो कन्नडिका के जो चैनल थे वहां जो चर्चा होती थी वो बिल्कुल अलग थी। यहां प्रधानमंत्री के ओजस्वी भाषण की बात करते हो मगर वहां वो माइक्रो लेवल के क्या इश्यूज हैं उन पर चर्चा करते थे। वहां येड्डी रेड्डी की लूट की भी चर्चा थी, कांग्रेस पार्टी की के काम के अच्छा लगता हो तो अच्छे की, और उसमें कुछ कमियां थी तो उसकी भी थी। विश्वास रखिए, ये मुद्दा कतई नहीं था। वहां तो ये तक बात चैनलों ने की कि जो ट्रांसलेट कर रहा है वो कह रहा है कि इनके जैसी भावनाओं को मैं कैसे व्यक्त करूंगा, वो कम्युनिकेट नहीं कर पा रहे हैं प्रधानमंत्री जी जो यहां कर पाते थे। तो विश्वास मानिए, वहां जो रहा है उसने इस बात को महसूस किया है कि डिबेट के इश्यूज और डिबेट की दिशा हमारे इन चैनलों की और वहां के चैनलों की बिल्कुल अलग थी। तो यहां फिर बधाई हो आपको कि वहां के चैनल अलग ढंग से दिखाएंगे, आप जीत जाएंगे, मैं उस पर नहीं जा रहा। लेकिन मैं आपसे एक बात और जानना चाहता हूं, क्या कारण होता है कि राहुल गांधी पहले तो खेलते हैं, दूसरी बार जब खेलने आते हैं थोड़ा स्लो हो जाते हैं,
फिर उसके बाद तीसरी बार जब आते हैं तो पूरी तरह से स्लो हो जाते हैं, ऐसा क्यों होता है? नहीं देखिए, मुझको तो आश्चर्य होता है कि कोई एक सार्वजनिक जीवन का नेता कैसे अपने खेल पर व्याख्या कर सकता है। काम की बात, काम की बात, राहुल नहीं काम की बात, बिल्कुल। राहुल जी हमेशा इस बात में विश्वास रखते हैं कि बहुत व्यक्त, देखिए बहुत अधिक फ्रिक्वेंसी का साउंड सुनाई नहीं देता, हमारे सुनने की क्षमता के ऊपर है, मगर उसकी आवाज एग्जिस्ट करती है। तो काम बोलना चाहिए, वो इस बात में विश्वास रखते हैं कि बहुत बोलने की अपेक्षा बहुत काम करिए और वो वास्तविकता के धरातल पर खुद उसकी अनुगुण सुनाई देगी और वो अच्छा प्रतिसाद देगा। इसकी अपेक्षा कि बहुत कहा और कुछ नहीं हुआ तो फिर लोगों की अपेक्षाएं खूब बढ़ेगी और वो नकारना प्रारंभ कर देंगे। तो वो काम में विश्वास रखते हैं, इसलिए हो सकता है आपका ऐसा परसेप्शन हो। प्रेम शुक्ला जी, काम में विश्वास रखते हैं राहुल गांधी कि नाम में रखते हैं? देखिए, राहुल गांधी जी का 2004 से लेकर 2014 तक के कार्यकाल में, कांग्रेस के सत्ता काल में जो है, एक ही काम लोगों के निगाह में आया। वो काम यह था कि डॉक्टर मनमोहन सिंह जी ने एक बिल बनाकर भेजा, कैबिनेट ने मंजूर किया, राष्ट्रपति भवन भेजा गया और प्रधानमंत्री जी संयुक्त राष्ट्र के दौरे पर थे और एक प्रेस कॉन्फ्रेंस में उसको फाड़कर फेंक दिया। अरे ऑर्डिनेंस क्यों नहीं फाड़ेंगे प्रेम शुक्ला जी? 2002 याद है आपको? 10 वर्षों में 2002 में आपने एक प्रोविजन किया था ऑर्डिनेंस ला करके, वो ऑर्डिनेंस क्या था? वो था कि जो उम्मीदवार है उसको अपनी संपत्ति का ब्यौरा और क्रिमिनल रिकॉर्ड दर्ज करना पड़ेगा, उसको अस्वीकार आपने करके सर्वोच्च न्यायालय के निर्णय को और एक अध्यादेश लेकर आए थे जिसे सर्वोच्च न्यायालय ने फाड़ दिया था। मैं तो आज भी बधाई देता हूं, राहुल जी ने जो अध्यादेश फाड़ा वो बुनियाद बना और भावी भारत का प्रशस्त मार्ग हुआ सार्वजनिक जीवन की राजनीति। संविधान को संविधान, अब आप बोलेंगे प्रेम शुक्ला जी, खत्म करिए। रोम पुत्र जो है वो संविधान से ऊपर है। क्या रोम पुत्र करते हैं, एक ही माला जपते रहते हैं, बस काम की बात करिए। प्रधानमंत्री से लेकर साधारण कार्यकर्ता तक एक ही बात करता है, राम के नाम पर कालांतर से धोखा देते हैं और अनर्थ बातें करते हैं। अरे काम पूछ रहा है देश आपसे, आप प्रधानमंत्री जी बताइए, आपने कहा था कि बेरोजगारी अब की बार मोदी सरकार, क्या हुआ बताइए? नारी पर बहुत हुआ वार, अब की बार मोदी सरकार। अब जब हम बात करते हैं नारियों की व्यथा की और कथा की तो प्रधानमंत्री जी कहते नई दल में मत बांटिए। तो उनका थोड़ा सब बनने गए उनको बन के चले आए वाली स्थिति ना हो। आराम से भैया। नहीं तो असंसदीय शब्द क्यों प्रयुक्त कर रहे हैं? हमने कभी कहा आपको? हमने देखिए ना, राहुल गांधी जी ने कहा कि प्रधानमंत्री जी में ऐसी भाषा राहुल गांधी के हित में नहीं, और उनका कार्यकर्ता भी ऐसे शब्दों को प्रयुक्त नहीं करेगा व्यक्तिगत। कौन सा रोमपुत्र असंसदीय है? आप भली बात ही जानते, मैं दोहराने का रोमपुत्र, रोमपुत्र के अलावा क्या असंसदीय शब्द है? अरे देखिए, आप तो काम की बात कीजिए ना अपने, नहीं तो यही परेशानी भारतीय जनता पार्टी से। जब काम की बात करते हैं तो व्यक्तिगत आरोपों पर वो आ जाते हैं। ये बंद करिए, देश देख रहा है, भारतीय संस्कृति और संस्कारों में व्यक्तिगत आरोपों का कोई स्थान नहीं है, समझिए। पहले भी आपने, अब दिस इज लिटिल अनफेयर, नहीं पर आप लगातार पहले भी ये हुआ, लगातार सोनिया जी के लिए क्या क्या ने कहा, देश में फिर आपको जवाब कर सकते हैं। आप उनको पूरा सुनिए, उन्होंने आपको पूरा सुना, बिना कुछ कहे सुना, बिना कुछ टोके सुना। अबे जी, पराजय की पराजय का अवसाद इतना ठीक नहीं है। नहीं, पराजय का अवसाद ठीक नहीं है इतना, मैं जान रहा हूं। अबे जी की जगह कोई भी प्रवक्ता होता, जिसका नेता बारंबार हर चुनाव में जाता हो, हार जाता हो, जिसका नेता जो है सेल्फ गोल कर लेता हो और उसको डिफेंड करने की मजबूरी हो, मैं अभय जी की परेशानी को समझ सकता हूं। उनके साथ वो बहुत अच्छे प्रवक्ता है कि राहुल जी को डिफेंड कर लेते हैं, मैं उनका बड़ा अभिनंदन करता हूं। लेकिन मुद्दे की बात यह है कि कर्नाटक में, जैसा कि स्वतंत्र विश्लेषक, अब दीपक चौरसिया जी भारतीय जनता पार्टी के कार्यकर्ता तो नहीं है, शुभचिंतक भी नहीं है कि भाई भारतीय जनता पार्टी ही जीते, एक निष्पक्ष पत्रकार है, उनको भी लगता है कि राहुल गांधी जी सेल्फ गोल करते हैं और वो ये बात अगर कहते हैं और मैं उसका विश्लेषण करता हूं तो आप इतने नाराज हो जाते हैं, ठीक नहीं लगता है। कर्नाटक के चुनाव में जो स्थानीय मुद्दों पर होने चाहिए थे, मोदी जी वहां गए तो मोदी जी ने बताया कि भाई मुद्रा योजना के तहत 1,20,00,000 लोगों को कर्नाटक में लोन मिला है। वह मोदी जी वहां गए तो वहां किस तरह से उज्ज्वला योजना के तहत
कर्नाटक की महिलाओं के रसोई घर में स्वच्छता आई है, कैसे धुआं मुक्त हुआ है उन्होंने बताया। वहां पर जाने के बाद उन्होंने बताया कि हमने किस तरह से जो है विद्यालय महाविद्यालयों की और जो है सुविधाएं बढ़ाने की बातें की है। वहां पर जाने के बाद हमने किसानों के कर्ज माफ करने की बातें की। आप बताइए ना, राहुल गांधी जी ने वहां जाने के बाद कर्नाटक के हित के लिए कौन सी बात कह दी? आदिल, हमारे साथ जो है बैट्समैन चेंज हो गए हैं, अब आदिल सिंह मेरे साथ हैं। आदिल, मुझे बताइए कि प्रेम शुक्ला के तर्कों में कितना दम है? क्या आपको लगता है कि ये सब क्राउन जो काम जो गिना रहे हैं, चाहे उज्ज्वला योजना हो चाहे वो मुद्रा योजना हो, ये जमीन तक क्या इम्प्लीमेंट हुई है? देखिए दीपक जी, भारतीय जनता पार्टी का सिर्फ मिस इन्फॉर्मेशन कैंपेन पे जोर है, सच्चाई में तो इनसे बिल्कुल रिमूव्ड है रियलिटी से। अब मैं इन्हें गिनाता हूं कि पिछले पांच सालों में सिद्धरमैया साहब की सरकार ने क्या किया। 12,000 करोड़ रुपए का इंटरेस्ट फ्री लोन्स दिया। आज अगर एशिया में सबसे बड़ा सोलर पार्क है तो वो टुमकुर में है, कर्नाटका में। इन्वेस्टमेंट में अगर कोई राज्य सबसे नंबर वन पोजीशन पे है वो कर्नाटका है। आज बैंगलोर एक इनोवेशन हब बना हुआ है। यूनिवर्सल हेल्थ केयर के अगर देखा जाए तो जो सेंट्रल गवर्नमेंट भी हमारा प्रोग्राम को रेप्लीकेट कर रही है। ई फाइनेंस मंडी मॉडल है जहां 40% किसानों को ज्यादा मुआवजा मिला है, वो कर्नाटका की सरकार ने शुरुआत की थी। और 3,000 किसानों ने आत्महत्या क्यों कर ली वहां पर? देखिए, जो वो भाजपा के कारण है, बिकॉज उन्होंने एमएसपी नहीं बढ़ाई। मोदी साहब ने 2014 में वादा किया था, पेमेंट कर देते ना। देखिए, हमने ऑलरेडी 38% ऑलरेडी एनहांस कर दिया था, पर मोदी साहब ने 2014 में जो वादा किया था मैं कि किसानों की इनकम दुगनी करूंगा, वो उन्होंने नहीं किया। आज देखिए, सबसे ज्यादा किसान जो हमारे किसान भाई आत्महत्या करते हैं वो महाराष्ट्र और मध्य प्रदेश में है। मैं शुक्ला साहब से पूछना चाहूंगा, कहां है वो 2 करोड़ रोजगार, कहां है वो 15 लाख, कहां है जो सीटू आपने एमएसपी के लिए प्रॉमिस किया था, जो बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ का नारा लगाते थे आप? आज आपके विधायक आपके कार्यकर्ता महिलाओं पे रेप कर रहे हैं और आपकी संसद आपके मंत्री उन्हें बचा रहे हैं, आपको तो शर्म आनी चाहिए। और देख लीजिएगा 15 मई को कर्नाटका की जनता जवाब देगी और आपका अहंकार तोड़ेगी। प्रेम शुक्ला जी जवाब। दे चुकी है और आपका अहंकार मटिया बैठे। देखिए, दो तीन चीजें इन्होंने गिनाई। एक तो कृपा करके बता दें कि मूंगफली, किसानों की मूंगफली कर्नाटक में क्यों नहीं खरीदी गई? रागी, वहां जो महत्वपूर्ण फसल है, उसका न्यूनतम समर्थन मूल्य सिद्धरमैया जी ने क्यों नहीं दिया? वहां गन्ना किसानों के 1,000 करोड़ रुपए के भुगतान क्यों नहीं किए गए? कर्नाटक में सर्वाधिक जो है किसानों की आत्महत्याएं क्यों होती रही? कृपा करके बता दें, बैंगलोर जो इंफ्रास्ट्रक्चर का शहर था उसको पूरी तरह से वहां इंफ्रास्ट्रक्चर खत्म करके एक भीड़ भड़ाका, और वहां की सड़कें तक जो है रोज ये खबरें आ रही है कि सड़कों के कारण वहां मृत्यु हो रही है। ये सिद्धरमैया जी की विफलता नहीं है तो क्या है? और आप जो कह रहे हैं एपीएमसी जो है, आदरणीय येदियुरप्पा जी की सरकार थी जिसने वहां एपीएमसी कानून से मुक्ति दी और किसानों का हित किया। आपने प्रश्न उठाया कि किसानों की आय दुगनी, और जिनका आप बात कर रहे हैं वही स्वामीनाथन स्वयं कहते हैं कि 1.5 गुना किसानों की आय होगी। मेरी ज्यादातर सिफारिशें जो है मोदी जी की सरकार के कार्यकाल में मानी गई और 2 गुने की तरफ बढ़ रही है। आपके जमाने में कांग्रेस की सरकार अगर 2 गुना तक बढ़ रही है तो वो सुसाइड क्यों कर रहे हैं? टेक्नोलॉजी अगर 2 गुना तक बढ़ रही है तो वो सुसाइड क्यों कर रहे हैं? हो गया। मैं यही साहब, कहाँ बढ़ी है, कहाँ बढ़ाई है आपने? मैं यही आप सीटू फॉर्मूला का आपने वादा किया था और सीटू फॉर्मूला नहीं दिया। क्या क्यों कर रहे हैं? किसान 50,000 से ज्यादा किसान मुंबई पहुंचे थे, हजारों में किसान आत्महत्या कर रहे हैं और आप अभी भी झूठ प्रचार आपका जारी है। आदिल, आदिल मुझे कृपया प्रश्न आपसे मेरे से है, कृपया मुझे उत्तर देने का अवसर दें। जी बिल्कुल, कृपया मुझे उत्तर देने का अवसर दें। आराम से, आराम। देखिए, स्वामीनाथन अंकलेश्वर अय्यर जी ने 2 सप्ताह पहले एक प्रमुख समाचार पत्र में लिखा और उन्होंने आंकड़ों के साथ लिखा कि 2004 से 2014 और 2014 से 2018 के बीच में किसानों की आत्महत्याओं में 30% कमी आई है। किसानों की आत्महत्या की घटनाएं कांग्रेस के कार्यकाल में अपने चरम पर थी। एक कलावती के जीवन में परमाणु साहब, आपकी सरकार ने एक एफिडेविट फाइल किया है पिछले साल और कहा है कि किसान की आत्महत्या में बढ़ोतरी आई है। 12,000 किसान भाइयों ने आत्महत्या की, ये तो एक्चुअली गलत है ना। जो बोलने दीजिए ना, आप काउंटर करिएगा। कार्य किया है मैंने आपको, अब लीजिए लीजिए माँ बाप कहा क्या। देखिए, आप मोदी साहब से अपनी स्क्रिप्ट लेने लगे हैं शुक्ला साहब, कृपया करके डिस्टॉर्ट करना बंद करिए। आप
अब आपका एफिडेविट भी झूठा है क्या सुप्रीम कोर्ट में? अच्छा आप चाहते 12,000 किसान भाइयों ने आत्महत्या की है, आप चाहते हैं प्रेम गुप्ता जी राहुल गांधी से? राहुल गांधी जी की स्क्रिप्ट तो बहुत, राहुल गांधी जी ने देश की जनता की अटेंशन को कैप्टिवेट कर लिया है। आज देश चाहता है सच्ची राजनीति। मोदी साहब का देखिए, अभी हाल ही में 3-4 दिन पहले की बात है, शहीद भगत सिंह के बारे डिस्टॉर्ट कर दी हिस्ट्री इन्होंने, जनरल करियप्पा के बारे इतिहास डिस्टॉर्ट कर दिया, जनरल थमैया के बारे हिस्ट्री डिस्टॉर्ट कर दी। सो देखिए, ये झूठ की राजनीति और नहीं चलेगी। आप आइए हकीकत में बात करिए। मोदी साहब ने पर्सनल अटैक किए हैं। आप जेटली और रेड्डी गैंग को बचाने के लिए आपने असली मुद्दों से भटकाने की कोशिश की। आदिल, संतोष हेगड़े ने आपको इनवाइट किया है, रेड्डी को खड़ी पार किया है, बलारी प्रवक्ता बने हैं। आदिल आदिल, आपको थोड़ा संयम रखना पड़ेगा, क्योंकि हकीकत आगे रखनी चाहिए। झूठ प्रचार तभी आप उसको वक्त देंगे तभी तो हकीकत आगे रखेगा। अगर आप निर्बाध आबाद गति से बोलते रहेंगे तो वो अपनी बात कैसे कहेगा? आपको भी इसका ध्यान करिए ना। मैं फैक्चुअली ध्यान दूंगा, इसीलिए मैंने आपको बुलाया हुआ है कि प्रेम शुक्ला की बातों को आप काउंटर कर सके। फैक्चुअल बातें कहना मैं उसको एनालाइज कर सकता हूं, लेकिन उनको जवाब देना मेरा अधिकार नहीं है। मैं उनको जवाब नहीं दे सकता जब तक वो मुझसे सवाल ना पूछे। प्रेम शुक्ला जी बोलिए। देखिए, सबसे बड़ी बात इन्होंने कहा आदरणीय मोदी जी के संदर्भ में कहा कि झूठ बोलते हैं। सबसे बड़ा झूठ इस देश से गरीबी हटाओ आप जो 1952 से कर रहे हैं साहब, 2014 तक शासनकाल में थे, गरीब हट गया, गरीबी नहीं हट गई। आप ले आए कि हम जो है लोगों को डीबीटी करेंगे, डायरेक्ट बेनिफिट ट्रांसफर होगा। आप साहब जो है 10 करोड़ भी खाते जो है 70 साल में खुलवा नहीं पाए, 30 करोड़ खाते खुलवा दिए गए 4 साल में, आपको लगता है काम नहीं हुआ। संसाधन विकास पर बात कर लें, सड़क के निर्माण में 1 किलोमीटर प्रति दिन की गति पे आप खड़े थे, हम 48 किलोमीटर प्रतिदिन की गति पे खड़े। आप जो है एलईडी बल्ब छोटी सी चीज सरकार की कंपनी बनाती थी, 6 लाख एलईडी बल्ब पूरे साल में, 6 लाख एलईडी बल्ब प्रतिदिन। तो हम काम काज के मुद्दे पर आप बहस कहां करने आएंगे? आप काम काज पर बहस करने नहीं आएंगे, क्योंकि आपने कुशासन किया है, हमने सुशासन किया है। आपने देश को जो है अंधकार में ढकेला है, उजाले की तरफ लाया, आखिरी गांव तक बिजली पहुंचाई है। आपने जो है राजीव गांधी विद्युतीकरण योजना के तहत 2009 का घोषणा पत्र उठाकर देख लीजिए, कहते हैं 2012 में आखिरी देश का आखिरी गांव तक बिजली पहुंचा देंगे, नहीं पहुंचा पाए 2014 तक। 1,000 दिनों का टारगेट दिया और 1,000 दिनों पहुंचा दिया। आखिरी आदमी के घर में बिजली पहुंचाने की बात की, पहुंचा रहे। प्रधानमंत्री आवास योजना में आवास बना रहे हैं। अरे आगे भूल जाऊंगा मैं, अब भाषण इनको कहिए, भाषण प्रेम शुक्ला जी आगे भूल जाऊंगा। हमारे इस खास कार्यक्रम में आपका स्वागत है। हमने आपको तमाम एग्जिट पोल बताए हैं, न्यूज CNX का एग्जिट पोल बताया, साथ ही आपको बताया इंडिया न्यूज और टुडे चाणक्य का एग्जिट पोल, जिसमें बीजेपी को पूर्ण बहुमत मिलता हुआ दिखाई दे रहा है, उसके हिसाब से कांग्रेस पीछे है। लेकिन अभी भी हम आपको बता दें ये एग्जिट पोल है, एग्जिट पोल नहीं, 15 तारीख को नतीजे आएंगे। उस दिन सुबह 6 बजे से हम लगातार इंडिया न्यूज पर होंगे और आपको बताएंगे कि कितनी तेजी से कर्नाटक में स्थितियां बदल रही हैं। आदिल, आपको रिस्पॉन्ड करना था प्रेम शुक्ला जी, दीपक जी, मैं एक साथ कई बार आपका एक पॉइंट आगे लेके जाना चाहूंगा। और इंडिया टुडे एक्सेस का सर्वे है, टाइम्स ग्रुप का सर्वे है, वो क्लियर कट कांग्रेस पार्टी को मेजोरिटी शो कर रहा है। आपकी बात सही है, ये एग्जिट पोल है, असली नतीजे 15 को ही पता चलेंगे। पर मेरा जवाब है शुक्ला साहब के लिए। शुक्ला साहब कहते हैं कि हमने रोजगार क्रिएट किए हैं, ये कांग्रेस पार्टी के आंकड़े नहीं, भारत सरकार के आंकड़े हैं, CSO डेटा है कि केवल 1.5 लाख रोजगार क्रिएट किया गया है। वादा कितना था? 2 करोड़। CSO डेटा कितना कहता है? 1.5 लाख। सुप्रीम कोर्ट में भारत सरकार का एफिडेविट है कि 12,000 हमारे किसान भाइयों ने आत्महत्या की है, सबसे ज्यादा आत्महत्या महाराष्ट्र और मध्य प्रदेश में हुई है, यह इनका एफिडेविट कहता है। तीसरी बात ले लीजिए आप, पेट्रोल की कीमतें, आज पेट्रोल की कीमतें आसमान पे पहुंची हुई है, मोदी साहब ने एक भी टिप्पणी नहीं की कि कैसे उसे कंट्रोल किया जाए। देखिए, अच्छे दिन केवल जय अमित भाई शाह और इनके चंद उद्योगपति भाइयों के आए हैं। हमारा तो निवेदन था मोदी साहब और अमित शाह साहब से कि वो जय भाई का बिजनेस फॉर्मूला कर्नाटका के नौजवानों को बता दे, जहां 50,000-80 करोड़ रूपये बन जाते हैं 10 महीनों में, नौजवानों का, पूरे देश के नौजवानों का कल्याण हो जाएगा। देखिए, प्रोपेगेंडा, झूठ फरेब की राजनीति केवल एक पॉइंट तक आपको
लेके जा सकती है। आज देश चाहता है कि हमें डिलीवरी देखने को मिले। भारतीय जनता पार्टी हेडलाइन मैनेजमेंट और रेटरिक में विश्वास रखती है। अब और ज्यादा देर आपका ये झूठ प्रचार नहीं चलेगा शुक्ला साहब, उल्टी गिनती शुरू होगी है। उल्टी गिनती आपकी दो मिनट हो गए, मैं सिर्फ एक बात कहना चाहूंगा, जय शाह वाला फॉर्मूला इन्होंने नहीं बताया, रॉबर्ट वाड्रा का क्या फॉर्मूला था कांग्रेस ने नहीं बताया, कौन सा दोनों बराबर हो गए। इनकी सरकार है, इनकी एजेंसीज हैं, बिल्कुल झूठे आरोप थे, वो झूठे आरोप थे। अगर सच्चाई होती तो कोई एजेंसी कुछ कहती ना। अभी भी इन्वेस्टिगेशन चल रही है। देखिए हम तो चाहते हैं कि जो 50,000 चार साल हो गए, चार साल से ये सरकार में है, अगर कोई उस आरोप में सच्चाई होती तो ये कोई रिपोर्ट डालते। हकीकत है ये इनका प्रोपेगेंडा एक्सरसाइज है। ठीक है, हम तो चाहेंगे प्रियंका साहब आज आप भी जान लीजिए जय शाह साहब का फॉर्मूला, दीपक भाई को भी बताइए, मुझे भी बताइए। नौजवान जानना चाहते हैं कि 50,000-80 करोड़ रुपए कैसे बन जाता है। आप नहीं जानना चाहते, आपने किसी सरकारी एजेंसी से लाभ नहीं लिया, कोई फॉर्मूला तो बता दिया, कोई फॉर्मूला तो बता दीजिए बड़े भाई, घोटाला करना, चलिए फॉर्मूला तो बता दीजिए। सूची में श्रीमती सोनिया गांधी के आने का कोई कांग्रेसी जवाब नहीं दे सकता। रॉबर्ट वड्रा का जो है, जो सरकारी ने बता रहा ना फॉर्मूला आपको, एजेंसी आपकी है, जो है चार साल से संपत्ति पर डाका डाले बैठे हैं, उन डाकुओं को ठीक करना हमारा जो है। डाकू तो भाजपा में बैठे हैं, एक डाकू थे बंगारू लक्ष्मण, राष्ट्रीय अध्यक्ष आपके 420 केस में जमानत पर बाहर है, आपका अध्यक्ष तड़ी पार है, आपका अध्यक्ष तड़ी पार है और वो बलारी वाला भाई है आपका, उसे सुप्रीम कोर्ट ने तड़ी पार कर दिया बलारी से कार्यकाल में, और फिर कहते हैं ना खाऊंगा ना खा लूंगा। भ्रष्टाचार का पर्दाफाश किया, रॉबर्ट वड्रा पर आयोग बैठा और उनके भ्रष्टाचार का पूरी तरह से कौन सी रिपोर्ट फाइल हुई है शुक्ला साहब, पर्दा भ्रष्टाचार बताइए कौन सी रिपोर्ट फाइल हुई है, प्रवर्तन निदेशालय के कागजात येदियुरप्पा को कन्विक्ट किया था, और जय शाह के बारे में असली आरोप क्या है कि सरकारी एजेंसी से लाभ लिया, कि सरकारी निर्णय का लाभ हुआ उनको, और एक कंपनी जो है जो व्यक्ति अपनी जेब से अपना घाटा करके आता है उसको कहते हैं ये घोटाला है, और रॉबर्ट वड्रा सरकारी जमीन पर डाका डालता है, कहा नहीं बड़ी ईमानदारी है। तो ये कांग्रेसियों की ईमानदारी और बेईमानी का सूत्र का भी अंतर, सिर्फ वंशवाद के प्रेम में जिस तरह से अंधे हुए हैं, वह पूरी राजनीति के लिए, लोकतंत्र के लिए, संवैधानिक व्यवस्था के लिए, संसदीय व्यवस्था, वसुंधरा राजे और दुष्यंत सिंह क्या है शुक्ला साहब, छत्तीसगढ़ के मुख्यमंत्री और उनका सुपुत्र क्या है आदिल, प्रमोद महाजन और पूनम महाजन क्या है, विषय से भटक रहे, परवेश वर्मा क्या है, विषय प्रेम कुमार धूमल क्या है आदिल, अमित शाह और जय शाह क्या है आदिल, देखिए लिस्ट एंडलेस है। एक मिनट आदिल थोड़ा सा संयम रखो, मैं कभी किसी को अनफेयर मौका नहीं देता, अनफेयर चीज नहीं करता किसी के साथ। श्रीनी सर आप कुछ कहना चाह रहे थे। मैं ये कह रहा हूँ कि ये आरोप प्रत्यारोप के मैं ये जो है इससे टाइम निकल गया है और ये मसाला टीवी में अच्छा मसाला हो सकता है, मगर ये बात सोचनी होगी कि किसानों की क्या हालत है। 2009 में जब कांग्रेस सरकार थी उसने करीब 65,000 करोड़ किसानों को वेव ऑफ किया, उससे वो चुनाव जीती भी, मगर उसके बाद क्या हुआ। देखिए ये आप आरोप लगा सकते हैं कि कर्नाटका सरकार ने ये नहीं किया, कांग्रेस ही ऐसे नहीं, उधर चीफ मिनिस्टर ने उसको ठीक से नहीं किया, कांग्रेस ही ये कह सकते हैं कि बीजेपी सरकार ने ठीक नहीं किया, मगर आपको ये देखना होगा महाराष्ट्र, कर्नाटका, तमिलनाडु, उस पूरे क्षेत्र में 100 साल से बुरा एक वहां पर सूखे की स्थिति है, बारिश नहीं हुई है, वाकई वहां बहुत बड़ी एक त्रासदी है। देखिए उत्तर प्रदेश में मुख्यमंत्री जैसे आए उन्होंने 35,000 करोड़ उन्होंने वेवर किया, उसका सपोर्ट उनको सेंटर से मिला, महाराष्ट्र में भी उन्होंने थोड़ा सा वेवर किया, यहां पर कर्नाटका में 8,000 करोड़ वहां के कोऑपरेटिव लोन जो कि उनके अपने स्टेट के सेक्टर में आते हैं वो लोन वेव कर पाए, मगर सेंटर की तरफ से उनको वहां सपोर्ट नहीं मिला। अभी बीजेपी सरकार ये कह रही है कि यदि हमारी सरकार कर्नाटका में बनती है तो हम इसका दुगना आपको फायदा देंगे। ये देखिए ये ऐसा है कि इस सरकार ने जब सेंटर में आई थी और सबको पता है कि टर्म्स ऑफ ट्रेड किसान के अगेंस्ट हैं, जिसका मतलब यह है कि लागत जितना किसान लगाता है उस पर उसको उतना फायदा नहीं मिलता, ये सबको पता है, और ये अभी की बात नहीं है, ये 2-3 दशकों से चली आ रही है। इसमें कुछ न कुछ बदलाव लाना होगा। मोदी सरकार जैसे उन्होंने कहा कि हम किसानों का आय दुगना करेंगे, देखिए किसान अभी भी वेट कर रहा है, आपने ये देखा तमिलनाडु के किसान कई महीने यहां पर आगे दिल्ली में पड़े रहे, उन्होंने भी यही वेवर कोई एक सोल्यूशन नहीं है, कई सारी चीजें करनी है और लोगों की अभी अपेक्षा होगी कि
यदि कर्नाटका में यदि कोई नई सरकार आती है तो वो कुछ करेगी या नहीं करेगी इस पे तो कोई बातचीत होती नहीं है। एक दूसरे पे आरोप प्रत्यारोप लगाते रहते हैं क्योंकि वो आसान है, ये जो काम है ये काफी मुश्किल काम है और करना जरूरी है। अध्यक्ष जी, मेरा जो मुद्दा पॉइंट है, जो किसानों वाली बात उन्होंने उठाई, मैं ये जानना चाहता हूं कि इनकम दो गुनी करने तक की बात तो कर रहे हैं लेकिन रोड मैप क्या है कोई नहीं बता रहा है, भावांतर शुरू कैसे होगी ये कोई नहीं बता रहा है, कब शुरू होगी ये कोई नहीं बता रहा है। देखिए, अपने देश का ये दुर्भाग्य है, ये हमेशा समझिए कि जो प्रायोरिटी यहां कारोबार को, जो प्रायोरिटी इंडस्ट्री को मिलता है, वो प्रायोरिटी, वो प्राथमिकता आपको चाहे बजट हो चाहे कि कोई नीति हो, कृषि को नहीं मिलता है। एक तो कृषि को राज्यों का विषय आपने बना दिया है, सेंटर की एक भूमिका है वो सीमित है। जब किसान प्राथमिकता में नहीं है, आज भी देश में 56 से 57% रोजगार अभी भी कृषि और उससे जुड़े हुए क्षेत्रों से पैदा होते हैं, मतलब ज्यादा रोजगार है, भले उसका जीडीपी में योगदान 14% है। लेकिन ये जैसे श्रीनिवासन जी कर रहे, देखिए किसान का लोन माफ करना ये कोई के, मतलब कृषि में सुधार का या किसानों के बहुत हित का कदम नहीं माना जाता है। बैंकों से लोन लेने वाले किसानों की एक अलग कैटेगरी है, छोटा छोटा किसान तो बैंक तक जाता ही नहीं है, हम लोग जानते हैं। तो ये बात सही है कि किसानों का मुद्दा जो आपने कह दिया आय दोगुना करेंगे, लेकिन आय दोगुना होगा कैसे ये तो नहीं बताया। दूसरा ये है कि आय दोगुना आप कर भी देंगे लेकिन लागत नहीं घटेगा अगर उसमें, तो उस आय से कोई फायदा नहीं है। इस समय खेती की लागत बढ़ गई है, जब खेती बैलों से हो जाती थी, गोबर के खाद से चलते थे, अब आज ट्रैक्टर से खेती होती है, डीजल के दाम बढ़ गए हैं, जो काटने की मशीन है वो सब मशीनें आ गई हैं, अब आम छोटे किसानों के लिए खेती करना कठिन हो गया है। नहीं, वो घर नहीं सर्वाइव कर पाते, घर नहीं सर्वाइव कर पाते वो, तो इसलिए अपनी एक इसलिए अगर लागत नहीं घटेगी तो आप आमदनी बढ़ भी जाए उससे कोई फायदा नहीं है। किसानों की लागत कैसे घटे, एक दूसरी बात यह है कि जो किसानों के बच्चे हैं उनकी शिक्षा, उनके स्वास्थ्य, उनके परिवार, वो व्यवस्था स्थानीय स्तर पर कैसे हो, वो दूसरी चीजें करने की जरूरत है, उसके बाद आप आय बढ़ाने की बात करते हैं तो मेरी समझ में आएगी। लेकिन देखिए, ये एक चीज और समझने की है कि कर्नाटक जो है अगर इकोनॉमिकली देखा जाए तो कर्नाटक देश के अनेक राज्यों से बेहतर स्थिति में, संपन्न है, मैंने नहीं नहीं ऐसा नहीं, 12% कुल जो देश का जो कुल निर्यात है उसमें 12% अकेले इस राज्य का योगदान है, जो कुल जीडीपी है उसमें 10% योगदान है, रोजगार के क्षेत्र में भी ये बहुत बेहतर किया है, प्रति व्यक्ति आय में भी 4th स्थान है। ये तो लेकिन ये क्यों है, ये इसलिए है कि वहां असमानता है। वो जैसे बेंगलुरु ऐसे शहरों में आपने बड़ी बड़ी कंपनियों खड़ी कर दी है, उन कंपनियों की आय बढ़ गई है कुछ लोगों की, लेकिन जो गरीब थे, जो नीचे के तबके थे, वो आज भी वहीं खड़े हैं। तो कर्नाटक जो है इकोनॉमिक स्टैंडर्ड पर तो हाई पहुंच गया, लेकिन जो जिसको लिविंग स्टैंडर्ड कहते हैं मेजोरिटी का, उस पर अभी वही का वही है। और ये मुद्दा कर्नाटक के चुनाव में जितनी गहराई से बननी चाहिए थी वो नहीं बनी है, दुर्भाग्य है ये। आदि देखिए दीपक साहब, भारतीय जनता पार्टी एक किसान विरोधी सरकार है, मैं इसके पीछे उदाहरण आपको तथ्य देता हूं। मंदसौर में क्या किया इन्होंने, इनकी सरकार है ना मध्य प्रदेश में, इन्होंने हमारे किसान भाइयों पे गोलियां चलाई। जब ये सरकार में आए, कांग्रेस पार्टी एक हिस्टोरिक कानून लेके आई है, और आप मेरे साथ सहमत होंगे, जो लैंड एक्विजिशन एक्ट 2013 था, भाजपा ने क्या किया, एक ऑर्डिनेंस लेके आई और उसे डाइल्यूट करने की कोशिश करी, वो तो कांग्रेस पार्टी के प्रेशर के बाद इन्होंने उसे वापस लिया है, नहीं तो ये किसानों का हक छीनना चाहते थे। देखिए, भारतीय जनता पार्टी उद्योगपतियों की सरकार है, इन्होंने 35,000 करोड़ रुपए का कॉन्ट्रैक्ट, रफाइल का ऑफसेट कॉन्ट्रैक्ट अगर बैंगलोर आता, आप देखिए एंसिलरी इंडस्ट्री पूरे कर्नाटक में कितना फायदा होता, इन्होंने वो रफाइल का ऑफसेट कॉन्ट्रैक्ट छीन के अपने एक उद्योगपति मित्र को दे दिया है, जो 50,000 करोड़ रुपए का उस पर कर्जा है। भाजपा केवल चंद उद्योगपतियों के बड़ा उसके उनके फायदे के लिए काम करती है। मोदी साहब ने कोई अपनी विजन बताई क्या कर्नाटका में? उन्होंने केवल पर्सनल एलिगेशन लगाए सिद्धरमैया साहब पे, राहुल गांधी साहब पे और हमारे बाकी कांग्रेस के नेताओं पे। क्या विजन है इनकी? मैं अवधेश जी, आपने मेरे से पूछा है, मैं आपको बताता हूं। अगर आज कर्नाटका इन्वेस्टमेंट में नंबर 1 है, उसका कुछ तो आप कर्टसी हम कांग्रेस पार्टी की सरकार को देते हो,
कोई और भी राज्य हो सकता था, पर कर्नाटका हिंदुस्तान में नंबर वन है इन्वेस्टमेंट क्लाइमेट में, सबसे ज्यादा एफडीआई हिंदुस्तान में कर्नाटका में आंकड़ा है। अगर गुजरात का जीडीपी बढ़ता है तो मोदी जी को क्रेडिट जाता है, अगर कर्नाटका बढ़ता है तो रमैया साहब को क्रेडिट नहीं जाता। ये गलत है, ये हमारी सरकार की नीतियों के कारण हुआ है, पहली बात। दूसरी बात, 12,000 करोड़ रुपए का इंटरेस्ट फ्री लोन, कौन सा राज्य है इस देश में जिसने 12,000 करोड़ रुपए का इंटरेस्ट फ्री लोन दिया है? हमारी मेडिकल स्कीम के नीचे देखिए, सोलर पावर देखिए, इलेक्ट्रिसिटी जनरेशन में देखिए, ये सारे टेंजिबल्स हैं। भारतीय जनता पार्टी हवा में बात करती है, मोदी साहब आते हैं कहते हैं कि जी मैं वाराणसी को क्योटो बना दूंगा, इसको सिंगापुर बना दूंगा, उसको शंघाई बना दूंगा। हकीकत देश जानना चाहती है, देश आपकी कहनी और करनी में बहुत फर्क है। अब देश और गुमराह नहीं होने वाला, मोदी साहब आप बताइए क्या है आपकी विजन? ठीक है, चार साल हो गए हैं, ओके, इतना झूठ प्रचार करेंगे आदिल, आप देखिए, आपके पास काउंटर पॉइंट है, फिर मैं जाऊंगा काउंटर पॉइंट। जो मैं ये कह रहा हूं कि देखिए, कांग्रेस के पास अगर इतने ही उसके तुनीर में तीर थे सब कुछ, तो कांग्रेस का एक मुख्यमंत्री आप कल्पना नहीं करेंगे कि इस बार इस तरह की क्षेत्रवाद के क्षेत्रवाद का भाव खड़ा करेगा कि यहां हिंदू को हिंदी को पोतो, कन्नड़ को आगे लाओ, कर्नाटका का एक अलग झंडा हो, देश का एक अलग झंडा हो, समिति बनाओ उसके लिए, लिंगायतों को अल्पसंख्यक दो। मैं कह रहा हूं कि कांग्रेस और भारतीय जनता पार्टी एक राष्ट्रीय सोच की पार्टी है, अगर इस जंग से क्षेत्रवाद के उसके मुख्यमंत्री दे रहे हैं तो इसका अर्थ है कि आप विकास, आर्थिक विकास के पैमाने पर, आप सामाजिक विकास के पैमाने पर, आप शैक्षणिक विकास के पैमाने पर आप कमजोर पड़े हैं। और कांग्रेस के बड़े नेता दीपक जी, आपको याद होगा एस एम कृष्णा सहित और बहुत सारे लोग छोड़ के बीजेपी में बीच में जा रहे थे, तो 6 महीना में इन्होंने एक टर्न लिया है अपनी विफलताओं को ढकने के लिए। इसलिए ये कोई कह दे कि भारतीय जनता पार्टी बहुत खराब है, कांग्रेस बहुत अच्छी है, या कांग्रेस बहुत खराब है, बीजेपी बहुत अच्छी है, वो नहीं होगा, बीच में देखना पड़ेगा। और ये इसका जवाब कांग्रेस को देना पड़ेगा कि एक राष्ट्रीय पार्टी ने अपने मुख्यमंत्री को इस ढंग से संकीर्ण क्षेत्रीयतावाद को उभार कर और देश में अलगाववाद के भाव पैदा करने की अनुमति क्यों दी? ठीक है, मैं मानता हूं आपके बात, आदिल, मैं एक मिनट में आपके पास आऊंगा, 30 सेकंड की इंटरजेक्शन, 30 सेकंड बोलिए। अवधेश जी ने अलगाववाद की बात की है, अवधेश जी, कांग्रेस पार्टी के नेताओं ने अपने जीवन का बलिदान दिया है इस देश की एकता और अखंडता के लिए, पहली बात। दूसरी बात, हमारे डिफरेंट पॉलिटिकल ओपिनियन हो सकते हैं पर तथ्य सेम रहते हैं। 2013 में जो भाजपा के आज के वर्तमान के चीफ मिनिस्टीरियल कैंडिडेट हैं, उन्होंने कहा था कि लिंगायत को सेपरेट रिलीजन स्टेटस दो, आज वो भाजपा के चीफ मिनिस्टीरियल कैंडिडेट हैं। देखिए, ये जो डिमांड थी सेपरेट रिलीजन की, ये कम्युनिटी के बीच में से आई थी, कांग्रेस पार्टी ने इस पे एक जुडिशियल कमेटी कॉन्स्टिट्यूट की और उसकी कमेटी की रिपोर्ट पे हमने सेंट्रल गवर्नमेंट को रिकमेंडेशन दी है। और आखिरी बात, कर्नाटका की जनता येड्डी और रेड्डी गैंग को कभी स्वीकार नहीं करेंगे, ये करप्शन में भ्रष्टाचार में लिप्त हैं, लोक आयुक्ता ने इन्हें इंडाइट किया है, सुप्रीम कोर्ट ने बेलारी के एक जो रेड्डी भाई है उसको तड़ीपार किया हुआ है बेलारी से, और ये मोदी साहब के और अमित शाह साहब के पोस्टर बॉय हैं। बताइए, एक साइड मोदी साहब बात करते हैं कि भ्रष्टाचार मुक्त हिंदुस्तान और दूसरे साइड येदियुरप्पा और रेड्डी को अपने साथ बताया हुआ है, ये अगर हिस्ट्री नहीं है तो और क्या है? 30 सेकंड हो गए। प्रेम शुक्ला जी, दोनों का जवाब, दोनों बातों का, एक किसानों की बात का जवाब और दूसरा मुद्दा जो उन्होंने बताया इसका जवाब, लेकिन मैं एक फैक्ट कहना चाहता हूँ, वो 9 बजे कहूंगा और प्रेम शुक्ला जी वो सिर्फ आपके साथ डिस्कस करूंगा क्योंकि उस डिस्कशन में हमको बहुत मजा आएगा। वो क्या प्रेडिक्शन है जो मैं करने वाला हूँ या वो क्या तथ्य है जो सामने रखना चाहता हूँ, वो 9 बजे हम बात करेंगे, लेकिन आप अभी जवाब दीजिए। देखिए, मुझे लगता है कि आदिल भाई पूरे धैर्य से मेरे सवाल अपने सवालों का जवाब सुनेंगे। 3 मुद्दे उन्होंने उठाए। एक मुद्दा उन्होंने कहा कि एडी और रेड्डी का जो है वो जो भ्रष्टाचार है और गैंग वैंग शब्दों का प्रयोग किया। इस देश में एंटोनियो मायनो गैंग है जिस गैंग पर नेशनल हेराल्ड जैसे राष्ट्रीय अखबार को बेचकर 5,000 करोड़ रूपये की 400 बीसी करने का आरोप है और जमानत पर रिहा है। तो आपकी स्थिति, पहले इस स्थिति को समझ लीजिए, और कोर्ट के आदेश पर है, कोई ये राजनीतिक प्रतिशोध में नहीं है जिसके लिए आप इतने नाराज के बारे भी बोल दीजिएगा। बूढ़े पूर्व प्रधानमंत्री डॉक्टर मनमोहन सिंह को घसीटते हुए ले जा रहे थे। नहीं सुन, अब सुन लीजिए भैया, अगर आप पर्सनल अटैक करेंगे तो हमें तड़ीपार के बारे में बताना पड़ेगा ना, जो तड़ीपार आपके अध्यक्ष बहुत देर से आपको सुन रहा था। आदिल भाई आतंक, आदिल भाई यहाँ
नहीं हमको पता है ना तड़ी पार आपको, हमको पता है कि भैया अभी छुट्टी पे जाने वाले राहुल भैया नानी के घर जाने वाले हैं। फिकर ना करिए इस बारी तड़ी पार साहब को भाजपा को आप बीच में ऐसे शुरू है करेंगे तो मैं आप जब बोलेंगे जोर से चिल्ला सकता हूँ। मैंने आज आगे नहीं मुझे मालूम है चार सौ बीस आप जवाब देना और जो अभद्र भाषा होगी उसको मैं रोकूंगा। ये मेरा पर्सनल अटैक आपने किया पर्सनल नहीं आदिल आदिल आप भाषा 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 की आपकी स्थिति ये है कि आप एक पूर्व मुख्यमंत्री संवैधानिक पद पर बैठे व्यक्ति को गैंग कहते हैं और आपको बिल्कुल जो है उस पर बेशर्मी से मेरी भाषा पर प्रश्न उठाते। छोड़िए आप पहले जवाब सुन लीजिए। अभी आप कह रहे थे कॉरपोरेट जो है भारतीय जनता पार्टी कॉरपोरेट के लोगों को फेवर करती है। 2G में सारे जो कॉरपोरेट के लोग थे वो तो किसान थे। विनोद गोयनका तो किसान थे आपको पता होगा। शाहिद बलवा तो किसान थे है ना। शाहिद बलवा जितने भी वो उसमें अन्य लोगों को आपने लाभ पहुंचाया था वो किसान थे। कोल घोटाले में सारे किसानों को लाभ पहुंचाया था ना। और आदरणीय मुरली देवड़ा स्वर्गीय हो गए उन्होंने जो है किस कंपनी को कैसे लाभ पहुंचाया वो इंडियन एक्सप्रेस की कटिंग्स भेज दो जिस पर आज तक आपका जवाब नहीं आया है। अब ये कॉरपोरेट आप पालते कैसे और इस देश में लंगोटी पूंजीवाद के जनक आप हैं और 1980 से लेकर 2014 तक के कार्यकाल पर आपसे लंबी बहस सप्रमाण की जा सकती है। लेकिन चीले चिखे चीखे चिल्लाए में बात करें तो तीसरा मुद्दा किसान का है। आपने किसान पर बात की भारतीय जनता पार्टी किसान विरोधी है। 1947 से लेकर 1998 तक कभी भी किसानों के बारे में आपका क्या चिंतन रहा है आज तक किसी की समझ में रिकॉर्ड में नहीं आया। 1998 में आदरणीय वाजपेयी जी के नेतृत्व तो भारतीय जनता पार्टी की सरकार आती है पहली बार किसानों के लिए किसान बीमा पत्र बनाए जाते हैं किसानों की फसलों का बीमा शुरू होता है। पहली बार भारतीय जनता पार्टी की सरकार आती है तो किसानों को जो है उनके लागत का उचित मूल्य मिलना चाहिए। स्वामीनाथन आयोग का गठन होता है। स्वामीनाथन आयोग रिपोर्ट देता है 2005 में 2014 तक सत्ता में बैठे हैं। एक कदम दिखा दीजिए कि आपने किसान के हित में किया हो। आपका कृषि मंत्री जब किसान आत्महत्या करते थे या महंगाई बढ़ती थी या चीनी के दाम गिर जाने से चीनी मिलों की व्यवस्था खराब होती थी तब कहते थे मैं ज्योतिषी नहीं हूँ। ये शरद पवार जी के बारंबार के बयान थे आप उसको ध्यान कर लीजिए। और किसानों के लिए मोदी जी है आप खाद के लिए गोली मारते थे। नीम कोटेड यूरिया नीम कोटिंग जो है कोई टेक्नोलॉजी नई नहीं आई कांग्रेस के कार्यकाल में थी। नीम कोटिंग कर दी आज तक एक गोली पूरे देश में यूरिया खाद के लिए कहीं लाइन लगी हो चली हो आप दिखा नहीं सकते हैं। किसानों के लिए किस तरह से किसानों को जो है सॉइल टेस्टिंग लैबोरेटरी पहली बार शुरू हुआ। आप जिन येदियुरप्पा की बुराई कर रहे हैं फसल जो है किसान की सीधे बाजार में जाए और जो एग्रीकल्चर प्रोडक्ट कमेटी जो होती है वो किस तरह से मार्केटिंग कमेटी में मुझे ब्रेक लेना है। मैं आप दोनों को इनवाइट करता हूँ आदिल और आप मेरे साथ बैठिए और आप जितनी देर चाहें उतनी देर हम बहस करेंगे। हम आपको आंकड़े बताएंगे कुछ और दिलचस्प आंकड़े बताएंगे कि रूरल और अर्बन के वोटिंग का परसेंटेज क्या है क्योंकि जो किसान है 56% का जो सेक्टर है पूरा किसानी का है इसलिए ये देखना पड़ेगा कि किसान किस तरफ गए अर्बन और रूरल किस तरफ गए। लेकिन आदिल आपको प्रेम शुक्ला जी की बात का जवाब देना था। देखिए अभी शुक्ला साहब ने 2G के बारे बताया था मैंने याद करा दूं कि 2G के केस में एक इक्विटल आई है और स्पेशल CBI जज ने कहा है कि इसमें कोई स्कैम नहीं था। सो कृपया करके अब अपना मिस इन्फॉर्मेशन कैंपेन आप बंद करिए। और दूसरी बात मैंने आपके स्पेसिफिक्स मांगे थे। कांग्रेस पार्टी 2013 का लैंड एक्विजिशन एक्ट लेके आई थी जो एक हिस्टोरिक कानून था किसान भाइयों के लिए आपने उसको डाइल्यूट करने की कोशिश की एक ऑर्डिनेंस लेके आए। इसीलिए अब आप हमें ना बताएं कि किसान आपने किसानों के लिए क्या किया है। हिंदुस्तान की जनता जानती है आपके समय आपके कार्यकाल के नीचे किसानों की आत्महत्या बढ़ी है ये हकीकत है। चलिए ये हकीकत है आंचल ये ग्राफिक्स हम बताएंगे 9 बजे लेकिन फिलहाल एक लेते हैं ब्रेक और ब्रेक के बाद जब हम वापस आएंगे तो हम आपको बताएंगे नए आंकड़े और साथ ही साथ आपको ये बताएंगे कि वो कौन सी बात है जो भारतीय जनता पार्टी के मन में है या उनके जो ऐसे लोग जो ज्योतिष को बहुत मानते हैं उनके मन में कुछ शंकाएं पैदा करेगी।